नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। NH-80 नेशनल हाईवे की डगर, मौत का सफर। कई सालों से NH-80 को नेशनल हाईवे जैसा बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नेशनल हाईवे आज भी जर्जर और बदहाल स्थिति में है। भागलपुर को पश्चिम बंगाल और झारखंड को सीधे तौर पर जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर इस तरह धूल उड़ती है कि मानो दिन की दोपहर में कोहरा जैसा नजारा देखने को मिलता है। सड़क के बीचों बीच गड्ढे हैं, जिससे कि लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को विवश हैं। वहीं NH-80 पर नेशनल हाईवे जैसा नजारा आपको देखने को ना मिले, लेकिन कार्य प्रगति है का बोर्ड सभी जगह दिख जाएंगे। इस पूरे मामले पर श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि 24 घंटे के अंदर NH-80 को दुरुस्त कर लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 24 घंटे के अंदर NH-80 दुरुस्त हो पाएगा या फिर कार्य प्रगति पर है का बोर्ड ही नजर आएगा। हम लोगों ने NH-80 का जो कई विषय आया NH-80 पे, कुछ इंक्रोचमेंट के था, कुछ अपना कंस्टिट्यूशनली कुछ राइट का वो लोग बता रहा था, वो कह रहा है कि हमको मिलना चाहिए हमको नहीं मिलना चाहिए। हम लोगों ने आज उसको निर्देशित किया है कि संबंधित जो विभागीय JEE हैं, विभागीय अधिकारी हैं, इतना देर काम होने के चल के लिए उस पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए हम लोग ऊपर डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं। और NHAI का जो RO हैं बिहार का, उनसे हम बात भी करेंगे उस पर कि कानूनी कार्रवाई करिए और समय निश्चित करिए कि कितना दिन में इस काम को पूरा करिए।